ठीक है मिश्रा जी, जवाब देना चाहते हैं आपको। भाई मैं बहुत डरा हुआ पत्रकार हूँ, मुझे ना कानून की जानकारी है और पिछले 2-3 दिन पहले से मैं बहुत डर गया हूँ। और मैं सारे पत्रकार भाइयों को भी बोलता हूँ, भाई आप भी बहुत डर के रहो भारत में, उसके पीछे कारण है। पता नहीं ऐसा कौन सा शासक आ गया है इतने दिनों के बाद, अभी परसों ही तो हुआ है ना FIR, जो एकदम निष्पक्ष पत्रकार हुआ करते थे, बड़े बोल्ड पत्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने ये लोनी वाली खबर चलाई थी कि 70 साल के बुड्ढे की दाढ़ी काट दी गई और जो बोल रहा था जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया था, 5-6 लोगों के ऊपर FIR हुआ ना, द वायर के ऊपर। भाई वो लोग बड़े बहादुर हैं, वो सब इन्हीं पार्टियों के पत्रकार हैं, उनके फेवर में बोलने वाले। मैं तो बड़ा डरा हुआ हूँ साहब, और आप भी डरिए, नहीं डरेंगे तो काला कौ झूठ बोले काला कौआ काटे, ये समझ लीजिएगा। मैं पत्रकार लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप भी डर के रहिए, अब वो समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि जहाँ डरने की जरूरत नहीं है। 4-5 को सबक सिखा दिया, ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल को भी सबक सिखा दिया, तो मैं तो भाई डरा हुआ हूँ। ये जो निडर लोग हैं उनकी खबरें भी मैं देख रहा हूँ और उनके भी पजामे गीले हो गए। नमक रोटी वाली कहानी दिखा दी थी विजय मिल की, उसको बताइए ना, आप उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? आप उस विक्रम त्रिपाठी की बात क्यों नहीं बताते हैं जिसको की योगी सरकार ने हिफाजत नहीं दी और भाजपा के एक मंत्री के इशारे पे मार दिया गया? आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। आप ये बताइए, बहुत निष्पक्ष आदमी है तो आपने बताया कि दूसरा पत्रकार पैसा लेता है, दूसरा विश्लेषक पैसा लेता है, यानी आप भी पैसा लेके बैठे हुए हो, तो आप बताओ ना कि आप भी पैसा लेके बैठे हो, क्यों नहीं बताते? मेरे मित्र व्यक्तिगत बात हुई है ना, ठीक है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ठीक है। एक सेकंड, कपीश जी एक सेकंड, मिश्रा जी, बहस बीजेपी पर है उस पर ही रहिए, ठीक है छोड़ दीजिए ना, एक दूसरे को आप थोड़ी देर बाद पर्सनल आप लोग कॉल कर लीजिएगा और आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। ऐसे नहीं, मिश्रा जी एक सेकंड,